हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैं लेसनर ताज एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना एक और नया बकचोदी वाला वीडियो लेकर। हाँ तो गाइस, आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है बसंती के आशिक यानी कि धर्मेंद्र पाजी। हाँ तो आइए हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो धर्म पाजी, कैसे हैं आप। अच्छा हूँ। हाँ तो धर्म पाजी, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद होकर। धर्म पाजी, आप यूँ माँ कसम क्यों खा रहे हो। हमने पूछा आपको कैसा लग रहा है आज हमारे साथ स्टूडियो पर बात करके। मुकसम धर्म पाजी, ये क्यों, आप क्यों बार बार माँ कसम खाए जा रहे हो। क्यों, मैं कहता हूँ क्यों क्यों क्यों। धर्म पाजी, आपको खाना तो आलू खाइए, पराठा खाइए, कुछ भी खाइए, ये माँ कसम क्यों खाए जा रहे हो। आप ये बताइए ना, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ स्टूडियो पर बात करके। मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ तो धर्म पाजी, हमने आपको बसंती को ये कहते हुए सुना कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हाँ तो धर्म पाजी, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो जाता अगर बसंती कुत्तों के सामने नाचती तो। तुम कहने के चाहते हो मैं धर्म पाजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो। एक सीधा साधा सा आदमी गब्बर, अगर उसका मन कर रहा है बसंती का डांस देखने के लिए, तो आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है उसको डांस दिखाने में। ऊपर से आपने गब्बर को कुत्ता कह दिया, ऐसा क्यों किया आपने। क्यों क्यों, मैं क्या पूछना चाहता हूँ, क्यों किया आपने ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ। गब्बर ने मुझे कद्दू की सब्जी खिला दी थी। ओ, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी धर्म पाजी, हमने तो आपको पूछा ही नहीं कि आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, आपको क्या लेना पसंद करोगे आप। मुकसम, मैं तुम्हारा खून पिजाऊंगा। ओ धर्म पाजी, आप ये क्या बोल रहे हो। धर्म पाजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप कोई वैश्य दरिंदे हो क्या। मुकसम, मैं तुम्हारा खून पिजाऊंगा। अबे मंजूर, की को फेले को लगे भाई दिसो तुम्हारे बाल। मुकसम, रुक रुक साले रुक, 1 मिनट रुक। तुझे खून ही पीना है ना, अब भी मैं तुझे चूहे का खून पिला दूंगा तुझे। आइंदा अगर खून पीने की बात की तो सीधे तरीके से इंटरव्यू दो, वरना निकलते बनो, चलते बनो यहाँ से। ओए ओके, नहीं कहूंगा आगे से। हाँ तो धर्म पाजी, आपने कुछ सालों पहले एक कसम खाई थी कि आप अपने दोस्त के मौत का बदला लोगे, लेकिन आपने आज तक उसकी दोस्त का बदला नहीं लिया, तो हम जान सकते कि आपने ऐसा क्यों किया। धर्म पाजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। धर्म पाजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारे पास इसका वीडियो क्लिप भी है, ये देखिए यहाँ पर। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। दरअसल मुझे लूज मोशन हुआ था, इसकी वजह से मैं बदला नहीं ले पाया। ओके 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 धर्म पाजी, ओके ओके। हाँ तो धर्म पाजी, हमने आपको एक और क्वेश्चन भी हमें आपसे पूछना था। आपने कुछ सालों पहले ठाकुर से खजाना लूटा था, क्या हम जान सकते हैं कि आपने उस खजाने का क्या किया। हाँ, मैंने सब खजाने मुन्नी भाई को दे दी। मुन्नी भाई, ये मुन्नी भाई कौन है। मुन्नी भाई, मुन्नी मुन्नी, अरे ये कोई मुन्नी भाई को जानता है। मुन्नी भाई से मैं प्यार करता हूँ, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे कौन पिलाती है। व्हाट, ये क्या कह रहे हो आप धर्म पाजी। मकसम, मैं तुम्हारा कौन बजाऊंगा। ओ व्हाट, ये क्या यार, आप ये किसके साथ बिठा दिया यार मुझे इंटरव्यू में। हाँ तो धर्म पाजी, कुछ दिन पहले हमने आपके बेटे सनी देओल का इंटरव्यू किया था, क्या आपने वो देखा। हाँ देखो। हाँ तो धर्म पाजी, आपको कैसा लगा। मकसम, अरे यार बंद कर यार, बस कर बस कर धर्म पाजी, बस कीजिए यार, ये आप क्यों खून पीने की बात पर कैसे आ जाते हो यार। मकसम, मैं तुम्हारे खून पी जाऊंगा यार। अरे यार, मुझे नहीं करना कोई इंटरव्यू।